इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में ही रहती हैं खबरें हमारी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वर्तमान समय में कई वर्ग असंतुष्ट नजर आ रहे हैं, जिसमें रोजगार सहायकों का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। रोजगार सहायक पूरे प्रदेश के अंदर बीते 54 दिन से निरंतर हड़ताल पर हैं और उनकी हड़ताल टूटने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ सरकार उनकी मांग नहीं पूरी कर रही है, दूसरी तरफ रोजगार सहायक भी अपनी मांगों को लेकर अड़िग हैं और कहते हैं जब तक प्रदेश की सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक हम अपनी हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। इस संबंध में सतना जिले के रोजगार सहायक एकत्रित होकर सतना के सिविल लाइन में धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और इस बात का भी इजहार कर रहे हैं कि जब तक सरकार हमारी मांगें नहीं मानेगी तब तक हम इसी तरीके से आंदोलन प्रदर्शन धरना देते रहेंगे। रोजगार सहायकों के आंदोलन प्रदर्शन के चलते पंचायतों की तमाम योजनाएँ एवं कार्य प्रभावित हो रहे हैं। हालांकि इस पूरे मामले को सरकारी मुलाजिम छिपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविकता किसी से छुपी नहीं है। यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रोजगार सहायकों की मांग को अनसुना करती है तो निश्चित तौर पर 2023 के विधानसभा चुनाव में रोजगार सहायकों का गुस्सा भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ सकता है। जिस हिसाब से रोजगार सहायक पूरे प्रदेश के अंदर संगठित होकर भारतीय जनता पार्टी की रीति और नीति का विरोध कर रहे हैं, उससे कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश की पंचायतों में एक संदेश जा रहा है कि भाजपा की सरकार रोजगार सहायकों का शोषण कर रही है। इस संदेश से कहीं ना कहीं ग्रामीणों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी से कट सकता है। 54 दिन से लगातार रोजगार सहायक हड़ताल पर हैं। भारतीय जनता पार्टी के नीति नियंत्रक रोजगार सहायकों की मांगों का अनदेखा कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सिर्फ लाडली बहनिया योजना चलाकर प्रदेश में सरकार बना लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। सुनिए रोजगार सहायकों की पीड़ा और दर्द, उन्होंने विशाल खबर से क्या कहा। जी, हमारा नाम मधु सिंह है और मैं सतना जिला से महिला प्रकोष्ठ की महिला अध्यक्ष हूँ। आपके ये हड़ताल कब से चल रही है? विगत 52 दिन से हम लोग हड़ताल में हैं। पहले हम लोग 13 से 18 तक अवकाश में थे और कलम बंद हड़ताल चली, अब अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जी, आपके मांगे क्या क्या हैं? हमारी मांगे सिर्फ जिला कैडर नियमितीकरण है और उसके आगे कुछ नहीं। बहुत सारी आप भी बताएंगे आपकी मांगे क्या हैं? हमारी मांग है हमारा सहायक सचिव के पद पर जिला कैडर किया जाए। हमारे इस न्यूनतम वेतन 9000 में गुजारे नहीं हो रहे हैं। पिछले 2018 में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने घोषणा की थी कि आपका उचित वेतन देते हुए आपको सहायक सचिव पद पर हम नियमित करेंगे, जिससे कि आपका भविष्य अच्छा हो सके। वह हमारी जो घोषणाएं थी आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई, जिसके कारण हम विगत 52 दिनों से अपने इस अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं और विनय निवेदन कर शांतिपूर्ण धरना देकर हम माननीय मामा जी से निवेदन करते हैं कि हमारी इस दुख को पीड़ा को समझें और हमें सहायक सचिव के पद पर जिला कैडर दें, जिससे कि हम अपना जीवन यापन कर सकें। रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद! रोजगार सहायक संगठन जिंदाबाद! आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।